अस्सी पार हो गया तेल। ये देखो मोदी और गहलोत का खेल, अस्सी पार हो गया तेल। कांग्रेस बीजेपी दो का है, कांग्रेस बीजेपी दो का है, तेल बचा लो मौका है। कांग्रेस बीजेपी दो का है, तेल बचा लो मौका है। ये हो गया तेल। ये देखो मोदी और गहलोत का खेल, अस्सी पार हो गया। रिफाइन करके भी 30 रुपये देखी जाए तो 20 रुपये लीटर है और 80 रुपये लीटर ज़्यादा टैंक की रेट हो गई है। इसका मतलब ये हुआ 60 रुपये से ज़्यादा टैंक वसूली जा रहा है। राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार दोनों इस कोरोना संकट के समय जनता त्रस्त है और ये रूट टैंक लगी हुई है। टैक्स अभी रिसेंटली 10-15 दिन के अंदर 15 रुपये तक बना दिया है और ये मल्टी डिजिटल बना रखा है। कोरोना के जो संकट का समय है संकट के समय को इन्होंने इनको लूटने का अवसर बना दिया है और अवसर का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और जनता को परेशान कर रहे हैं। पहले ही तो जनता परेशान है रोजगार के कारण, अपनी इनकम के कारण, अपने कोरोना संकट के कारण पिछले 2-2.5 महीने से घर पे बैठी हुई है और उसके बावजूद इन्होंने टैक्स बढ़ाकर और लूट के 80 रुपये से ज़्यादा इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया और ये रेट 80 रुपये ज़्यादा है जिससे सभी परेशान हैं। टेम्पो वाले तो परेशान हैं, फल सब्जी वाले परेशान हैं, ट्रांसपोर्टेशन वाला गेहूँ अनाज जो भी व्यक्ति वस्तु है वो तो सबके भाव बढ़ रहे हैं। डीजल के भी भाव बढ़ा दिया, पेट्रोल के भाव बढ़ा दिया और इन्होंने पेट्रोल भाव कम करने की जगह इन्होंने डीजल और पेट्रोल के भाव बराबर कर दिए और वो भी 80 के पार बता दिए। ये बहुत गलत है और अन्याय हो रहा है। अब जो जनता है अन्याय को सहन करेगी। इसके बाद आपके आगे की क्या रणनीति होगी? इसके बाद हम अभी तो ज्ञापन देंगे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम पर और इसके बाद में यदि हो सका और यदि ये नहीं माने तो हम 7 दिन का इनको समय देंगे, 3 दिन इनका उग्र प्रदर्शन करेंगे और हम कोर्ट में भी जाएंगे और इनके खिलाफ करेंगे कि भाई तुमने जो टैक्स ले रहे हो वो कानून के संबंध नहीं है, वो जनता को लूटने का टैक्स है। टैक्स नहीं होकर जनता को लूटने का टैक्स लगा रखा है, लूट टैक्स को बंद करना पड़ेगा। जितने भी ट्रांसपोर्टेशन लाइन के हैं 80 रुपये लीटर का तेल खरीद के ये क्या माल की डिलीवरी करेंगे, क्या लोगों को घर तक पहुंचाएंगे? आज ऑटो यूनियन के अंदर ये स्थिति है कि कोई बंदा ऑटो चलाता है तो 1-2 से ज़्यादा कोरोना काल में आप नहीं बिठा सकते हो। 80 रुपये लीटर का डीजल या 82 रुपये लीटर का डीजल भरा के 2 सवारी को बिठा के ये कैसे काम करेंगे? तो सबसे बड़ी बात ये है कि कोरोना संकट के अंदर ये लोग 2 सवारी से ज़्यादा बैठा नहीं सक रहे हैं। आप बता दो, सरकार बता दीजिए कि ये घर कैसे चलाएं। और यहाँ तक ये है कह रहे हैं कि चलो ठीक है, केंद्र सरकार को इसलिए बढ़ाना पड़ेगा पेट्रोल का दाम क्योंकि इस बार चीन और ये हमला कर रहे हैं तो पैसा चाहिएगा। तो रक्षा के लिए एक अलग सा बजट होता है देश के अंदर, उससे बजट दिया जाए, जनता का खून चूस के बजट नहीं दिया जाए। जनता के पास वैसे भी काम नहीं है, वैसे भी सब पूरी जनता अभी बेरोजगार बैठी हुई है। ऐसी स्थिति के अंदर भी अगर जनता के ऊपर तेल का दाम जो आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 20 रुपये बैरल है, मार किसानों पर पड़ी है। एक किसान जो अपने खेती करने के लिए हकई के लिए जो ट्रैक्टर का उपयोग करता है, आज हम देख रहे हैं कि डीजल के भाव बढ़ने के कारण 1 घंटे का एक ट्रैक्टर वाले 200-800 रुपये ले रहे 1 घंटे के, जबकि एक बीघो हकई भी नहीं होती है। उसके बाद में किसानों की सिंचाई इंजन के द्वारा होती है जो डीजल के माध्यम से इंजन चलता है। आप बताइए कि डीजल के दाम बढ़ने के कारण एक किसान अपनी सिंचाई मुसीबत हो गई सिंचाई करने के लिए, और सिंचाई करने के बाद जो अनाज होते हैं उसका उचित मुआवजा नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हो किसान गेहूं की फसल हुई है। दो जगह बहुत चला के बाहर